पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। ये 50,000 लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ना कहीं तोड़ फोड़ थी, ना कोई हिंसा थी। उसके बाद अश्रु गैस का गोला छोड़ा गया, लाठी चार्ज किया गया और 2 दर्जन से ज़्यादा हमारी महिला और युवा कार्यकर्ता घायल हो गए, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नीतीश जी, क्या आपके राज्य में प्रदर्शन करना भी गुनाह है? हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। जब शिक्षक कर्मियों का मामला हो या तेजस्वी के इस्तीफे का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, अपनी मांग से हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम लोग को गिरफ्तार करके और किसी थाने पर ले जा रहे हैं। को पूरी भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के तौर पर मानती है। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है और विजय सिंह हमारे वीर सपूत थे, भाई थे हमारे और पार्टी के संगठन को मजबूत करते रहे, इसलिए ये हत्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से लड़ते हैं। इसको लेकर के आगे क्या